औद्योगिक नगरी पीथमपुर के सेक्टर 1 थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई करीब 4 लाख रुपए के गहने व नकदी चोरी के आरोपी को पकड़ने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। थाना प्रभारी संतोष कुमार दूधी ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि करीब 1 हफ्ते पहले एक टेंट व्यापारी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके घर की अलमारी में से सोने चांदी के गहने व नगद रुपए निकाल कर फरार हो गया था। पुलिस को मुखबिर की सूचना एवं उसके फोन की लोकेशन के आधार पर सफलता हासिल हुई है। पुलिस द्वारा आरोपी से करीब 4 लाख रुपए का सोना चांदी और 68,000 रुपए नकदी बरामद हुई। साथ ही मोटरसाइकिल भी आरोपी की निशानदेही से मिल गई। पुलिस द्वारा आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। ये 3 फरवरी की दिन की घटना है। इंडस टाउनशिप में अक्षय यादव का मकान है। वो दिन में कहीं गए थे बाहर, जब शाम को आए तो देखा कि मकान का ताला टूटा है और अलमारी में जो ज्वेलरी वगैरह रखी थी वो कोई अज्ञात बदमाश चुरा कर ले गया है। हमने आसपास के CCTV फुटेज वगैरह देखे और लोगों से चर्चा की तो फुटेज में जो संदिग्ध दिखा वो शौकत अली के रूप में पहचाना गया था। शौकत मूल रूप से धार का रहने वाला है और इसका आपराधिक रिकॉर्ड भी हमने पाया था कि इसने पूर्व में भी चोरियां की थी। कुछ मुखबिर सूचना पर इसको हिरासत में लेकर पूछताछ की तो इसने घटना कबूल की है और करीब 3.5 से 4 लाख रुपए की ज्वेलरी और 1,85,000 रुपये नकद इसने चोरी करना बताया था, जिसमें 68,000 रुपये से जब्त हुए नकद और ज्वेलरी पूरे की पूरी ही जब्त की जा चुकी है। आरोपी पर किस प्रकार का अपराध पंजीबद्ध है? अपराधी ने पूर्व में तिल्ला थाना क्षेत्र में भी एक नकबजनी की घटना की थी और तिलक नगर में भी एक इसके खिलाफ चोरी नकबजनी का मामला है और धार में 307 का मामला है। आरोपी अकेला ही था कि कोई सहयोगी? नहीं, ये अकेला ही घुसा था और अकेला ही ले गया। संतोष दूधी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।